नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अंशकालीन जलवाहकों की रेगुलराइजेशन लटकी, 13 साल बाद भी कर रहे इंतजार। विंटर क्लोजिंग स्कूलों में बदलेगा छुट्टियों का शेड्यूल, 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए टर्म सिस्टम लागू होने का असर। शिक्षकों के निशाने पर अब विक्रमादित्य सिंह, पहले मंत्री महेंद्र की हुई थी किरकिरी। राज्यपाल ने शिक्षा बोर्ड से मांगी स्कूल जाती लड़कियों की डिटेल। डिपुओं में लगी मशीनों से QR कोड गायब, अब अंगूठा लगाकर मिल रहा है राशन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि। हिमाचल में 6 अक्टूबर के बाद खुल सकता है मौसम, हल्की बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे अंशकालीन जलवाहकों को रेगुलर करने का मामला लटक गया है। इस मामले में शिक्षा विभाग ने फाइल वित्त विभाग को भेजी थी और इससे पहले कि वहां से क्लियर हो पाती, उपचुनावों की चुनाव आचार संहिता लग गई। अब आचार संहिता के दौर में यदि अनुमति आती भी है तो भी चुनाव आयोग के फैसले पर सब कुछ निर्भर करेगा, इसलिए अंशकालीन जलवाहकों को नियमित होने के लिए अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे अंशकालीन जलवाहकों को रेगुलर करने का मामला लटक गया है। इस मामले में शिक्षा विभाग ने फाइल वित्त विभाग को भेजी थी और इससे पहले कि वे वहां पे क्लियर हो पाती, उपचुनावों की चुनाव आचार संहिता लग गई। अब आचार संहिता के दौर में यदि अनुमति आती भी है तो चुनाव आयोग के फैसले पर सब कुछ निर्भर करेगा, इसलिए अंशकालीन जलवाहकों को नियमित होने के लिए अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में अंशकालीन जलवाहक एक स्कीम के तहत रखे जाते हैं जिसमें मुख्यमंत्री को भी नियुक्ति का अधिकार था। इस पॉलिसी के तहत नियुक्त किए गए जलवाहकों को हालांकि अब डाइंग कैडर में डाल दिया गया है और इनकी जगह अब मल्टी टास्क वर्कर भर्ती हो रहे हैं, लेकिन जो जलवाहक पहले से काम कर रहे हैं उन्हें 13 साल के सेवा काल के बाद नियमित सेवा में लेने का प्रावधान है। इसी के तहत वर्तमान स्कूलों में शेष बचे जलवाहकों में से पात्र लोगों को रेगुलर सर्विस में लिया जाना था। ये लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बीच वित्त विभाग ने फाइल पर कोई आपत्ति लगा दी। अभी ये फाइल वित्त विभाग से क्लियर होनी शेष है, इसलिए इन्हें रेगुलर होने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं की 4 कक्षाओं के लिए इस साल से शुरू होने वाले टर्म सिस्टम के कारण विंटर क्लोजिंग स्कूलों के वैकेशन शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं की 4 कक्षाओं के लिए इस साल से शुरू होने वाले टर्म सिस्टम के कारण विंटर क्लोजिंग स्कूलों के वैकेशन शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। और भी कई एडजस्टमेंट नई परीक्षा प्रणाली के कारण होनी संभव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस प्रभाव प्रावधान को लागू करते हुए स्कूल शिक्षा बोर्ड में इसी साल से नई परीक्षा प्रणाली को लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत 9वीं से 12वीं की 4 कक्षाओं के आधे सिलेबस की पहली परीक्षा नवंबर में होगी, जबकि शेष बचे आधे सिलेबस की परीक्षा फिर मार्च में होनी है। यदि वर्तमान वैकेशन शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो इसमें मार्च से नवंबर तक का समय टर्म 1 के लिए है और नवंबर से 31 मार्च तक का समय टर्म 2 के लिए है, लेकिन विंटर क्लोजिंग स्कूलों में जनवरी और फरवरी में विंटर ब्रेक होने के कारण टर्म 2 के लिए कम समय बचेगा। इस कारण वैकेशन शेड्यूल को ही आगे पीछे करना पड़ेगा। एक संभावना ये भी है कि टर्म 2 की परीक्षा को अप्रैल में किया जाए। सुन्नी में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह की तरफ से दिए गए बयान पर एक बार फिर बवाल मच गया है। देखिए क्या बयान दिया था विधायक ने। सुन्नी में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह की तरफ से दिए गए एक बयान पर फिर बवाल मच गया है। खासकर शिक्षकों में उनके इस बयान को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने सुन्नी में धरना प्रदर्शन के दौरान कहा कि हमने बहुत सी सरकारें देखी हैं, बहुत से अधिकारी देखे हैं, कई ऐसे सरकारी कर्मचारी और कई ऐसे अध्यापक हैं जो 2020 का मैच खेल रहे हैं। वे ये ना सोचे कि उन पर विक्रमादित्य की नज़र नहीं है, एक एक को पकड़ कर हिसाब लिया जाएगा। ये कर्मचारी आज सोच रहे हैं कि भाजपा की सरकार है और हम इनका गुणगान कर अपनी ट्रांसफर रोक लेंगे। उनके लिए उन्होंने कहा कि जो राजनैतिक द्वेष भावना से काम कर रहे हैं, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी ऐसे अधिकारियों को हिमाचल के कोने कोने में पटक दिया जाएगा। विक्रमादित्य के इस बयान का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है।
और शिक्षित वर्ग इसका कड़ा विरोध कर रहा है। इससे पहले जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के बयान पर भी बवाल मच गया था और उनके बयान की पूरे प्रदेश में किरकिरी हुई थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षक घर बैठे मुफ्त की सैलरी ले रहे हैं, मास्टरों के मजे लगे हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष से हिमाचल प्रदेश में सरकारी व निजी स्कूलों की डिटेल भी मांगी है कि इन स्कूलों में कितने छात्र और छात्राएं पढ़ रही हैं। शिक्षा बोर्ड की तरफ से 3 दिनों में यह जानकारी राज्यपाल को मुहैया करवा दी जाएगी। देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड अब 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों के साथ 3री कक्षा के बच्चों के भी पेपर करवाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से स्कूल शिक्षा बोर्ड को पेपर करवाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये बात शनिवार को स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर से मुलाकात के दौरान कही। प्रदेश के राज्यपाल को स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानकारी दी गई। राज्यपाल ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष से हिमाचल प्रदेश में सरकारी व निजी स्कूलों की डिटेल भी मांगी कि इन स्कूलों में कितने छात्र और कितनी छात्राएं पढ़ रही हैं। शिक्षा बोर्ड की ओर से 3 दिनों में ये जानकारी राज्यपाल को मुहैया करवा दी जाएगी। इस जानकारी के मांगे जाने के पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि राज्यपाल हिमाचल के सरकारी स्कूलों की स्थिति का अवलोकन करना चाहते हैं कि कितनी छात्राएं स्कूल में पढ़ रही हैं। राशन के डिपुओं में QR कोड सिस्टम से राशन मिलना बंद हो गया है। अब डिपुओं में अंगूठा लगाकर व OTP आधार से ही राशन मिलेगा। डिपुओं में स्थापित मशीनों में भी डिपो संचालकों को यह ऑप्शन नहीं दिख रहा है। डिपो संचालकों का कहना है 25 सितंबर के बाद मशीनों से राशन देने के 3 ऑप्शंस में से QR कोड का ऑप्शन गायब हो गया है। देखते हैं इस सिस्टम के ठप होने के बाद क्या असर पड़ेगा। राशन के डिपुओं में QR सिस्टम से राशन मिलना बंद हो गया है। अब डिपुओं में अंगूठा लगाकर व OTP आधार से ही राशन मिलेगा। डिपुओं में स्थापित मशीनों में भी डिपो संचालकों को ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है। डिपो संचालकों का कहना है कि 25 सितंबर के बाद मशीनों से राशन देने के 3 ऑप्शनों में से QR कोड का ऑप्शन गायब हो गया है। ऐसे में सिर्फ अंगूठा व OTP माध्यम से ही राशन दिया जा रहा है। QR कोड सिस्टम बंद होने पर विभाग का कहना है कि प्रदेश में 95% से अधिकतर राशन अंगूठा और OTP माध्यम से उपभोक्ता ले रहे हैं। ऐसे में ऑप्शन अब खत्म किया जा रहा है। वहीं स्कैन के माध्यम से धांधली की शिकायतें भी आ रही थी, ऐसे में अब ऑप्शन खत्म किया जा रहा है। प्रदेश में 18 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जिन्हें प्रदेश सरकार सस्ता राशन उपलब्ध करवा रही है। एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को भी विभिन्न माध्यमों से राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने बताया कि 25 सितंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शिमला आने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के संवाद के बाद विभाग ने मशीनों से QR कोड स्कैनिंग से राशन देने की प्रक्रिया को खत्म कर दिया है। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। प्रदेश भर में आज बापू को उनकी जयंती पर याद किया गया। इसी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश भर में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, धर्म और भारतीय परंपराओं को सत्य निष्ठा से अपनाने के आदर्शों को स्थापित किया। गांधी जी एक महान व्यक्तित्व थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। उनके जयंती पर हमें अपने जीवन में सादगी और देश के प्रति समर्पण रखने का संकल्प लेना चाहिए, जो उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा गांधी दर्शन पर एक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल।
प्रदेश में मौसम 6 अक्टूबर से खुलने के आसार हैं। हालांकि 6 अक्टूबर तक भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट अब हट गया है, लेकिन मौसम अभी खराब रहेगा। ऊना, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला, बिलासपुर और सिरमौर व कुल्लू के मैदानी एवं मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 6 अक्टूबर तक गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है, जबकि लाहौल स्पीति व किन्नौर जिलों में 5 व 6 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा। शनिवार को राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहे, बीच बीच में धूप भी खिलती रही। पालमपुर को छोड़कर कहीं भी बादल नहीं बरसे। पालमपुर में आज 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उधर बीते 24 घंटों के दौरान पालमपुर में 37, कोठी में 32, धर्मशाला में 27, डलहौजी में 26, बैजनाथ में 14, जोगिंदरनगर में 13, गग्गल में 12, सलोनी में 10 और मनाली में 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। चलते चलते में नजर डालेंगे इन अहम खबरों पर। भावा नदी में गिरी कार, पिता पुत्र की मौत। किन्नौर की कटगांव पंचायत के पास हुआ दर्दनाक हादसा। आईटीबीपी ने मनासलू चोटी पर फहराया तिरंगा। किन्नौर के अनूप नेगी, रतन सिंह संग 6 पर्वतारोहियों ने पाई सफलता। मुख्यमंत्री के आदेशों पर कांगड़ा के दिव्यांग को 48 घंटे में मकान के लिए पैसे मंजूर, काम हुआ शुरू। शिमला में गांधी जयंती पर सीएम जयराम ठाकुर ने शनिदेव मंदिर में लगाया झाड़ू, स्वच्छता का दिया संदेश। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।